शहर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों व आरएसएस के पदाधिकारी एवं कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कई सालों की लड़ाई जीतने के बाद अब रामलला 22 तारीख को वापस अयोध्या राम मंदिर में वापस आए। इस मौके पर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश विदेश में सजावट देखने को मिल रही है। वहीं डॉक्टर कुलदीप गंगवार द्वारा IAMA भवन में एक शाम प्रभु श्री राम के नाम के कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती वंदना एवं श्री राम भगवान की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कवियों द्वारा श्री राम भगवान के बारे में कविताएं कही और भजन संध्या में संस्कृत गीत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राम भक्तों द्वारा श्री राम के जय जयकार के नारे लगाए गए। इसके बाद समस्त राम भक्तों को सूक्ष्म जलपान कराया गया एवं श्री राम भगवान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कई दिनों से अपने विख्यात और प्रख्यात कवि गुरु आए हुए हैं जी, और भगवान श्री राम के लंबे समय बाद अयोध्या में अपने घर में विराजित हुए हैं, और उसकी दृष्टि से इस संध्या का आयोजन किया गया। सभी में बड़ा हर्ष और उल्लास है और खुशी का वातावरण है। उस दृष्टि से अपने डॉक्टर कुलदीप गंगवार हैं। सर, जानना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में, और लगातार आपकी एक्टिविटी बनी रहती है सामाजिक प्रोग्राम को लेके, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा है और 500 सालों के बाद हमारे भगवान प्रभु श्री राम अपने जहाँ जो स्थान था उन पर विराजित, और कल उसका प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का। उसकी पूर्व संध्या पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया, जिसमें भगवान श्री राम को हमने याद किया उन कविताओं के जरिए और भजन के जरिए। जी, आज के इस अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मुझे भी काव्य और भजन संध्या का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सभी विद्वान कवियों को सुनने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र पटेल की बरेली से रिपोर्ट।